नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कासगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों के हितों को बताया सबसे ऊपर। कहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कारण किसानों को मिली बड़ी मदद। राज्य के किसानों ने की रिकॉर्ड पैदावार और सरकार ने एमएसपी पर की रिकॉर्ड खरीद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि की तेजी से प्रगति के लिए नई टेक्नोलॉजी व संसाधन अपनाने पर दिया जोर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 60वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि के छात्र छात्राओं से आगे आने का किया आह्वान। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि देश 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का करेगा लक्ष्य हासिल। ऊर्जा की बचत के उपायों को लागू करने में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की आवश्यकता पर दिया बल। सरकार ने देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता की समाप्त। व्यवसाय ठीक उद्देश्य के लिए 2 किलोग्राम तक के वजन वाले ड्रोन संचालन के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। ड्रोन के माध्यम से यूरिया का छिड़काव का हुआ सफल प्रयोग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कासगंज में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उन्हें उचित मूल्य पर आवश्यक कृषि उत्पाद उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि छोटा किसान हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, जिससे नया विश्वास पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। गन्ना, आलू, अमरूद, आम, केला जैसी अनेक फसलें उगाने वाला छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए का बजट कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए तय किया गया है। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओस में छोटे किसानों को संगठित कर उनको एक्सपोर्ट के लिए फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने के लिए मदद दी जा रही है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों को, मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, जिसके कारण उसके कम ब्याज से उसको बैंक से लोन मिल सकता है, वो अपना काम विस्तार कर सकता है, और ये भी सुविधा हमने दी है। यूपी में जो बायोगैस प्लांट का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वो किसानों को आय का एक और जरिया बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण खाद और कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत कई गुना बढ़ गई, लेकिन अपने किसान भाइयों पर हमने बोझ नहीं पड़ने दिया। हमने 1000 करोड़ की सब्सिडी देकर किसानों को खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराया। भाइयों बहनों, खाद की ये जो कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन सब खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण खाद की, कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई, कीमत भी कल्पना ही कर सकते इतनी बढ़ गई, अनेक गुना कीमत बढ़ गई है दुनिया के मार्केट में। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, छोटे किसानों पर बोझ ना है, इसकी चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा दाम बढ़ गया, हमको महंगी कीमत से बाहर से चीजें लानी पड़ी। हमने किसानों के लिए चीजें लाए, फर्टिलाइजर लाए, खाद लाए, दवाइयां लाए, और किसान को बोझ नहीं पड़ने दिया। सारा बोझ सरकार ने झेला, किसान को कम पैसों में वो दिया। हमने सब्सिडी बढ़ा दी, हमने 1000 करोड़ की सब्सिडी ज्यादा कर दी। इस बजट में भी
1,00,000 करोड़ रुपया, मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों सुनिए, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी के लिए हमने रखा है, ताकि अगर आगे कोई आफत आ जाए तो भी मेरे किसान को कोई मुसीबत ना आ जाए, इसका प्रबंध हमने आज अभी से किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो हजारों करोड़ रुपए मिले हैं, उससे भी किसानों की बहुत बड़ी मदद हुई है। छोटे किसानों को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो उनके खातों में फौरन 2,000 रुपए आ जाते हैं। इसी का परिणाम है कि यूपी के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है और सरकार ने भी MSP पर रिकॉर्ड खरीद की है। छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जो हजारों रुपए इस दौरान मिले हैं, उससे भी उनकी बहुत बड़ी मदद हुई है। छोटे किसान के लिए हर समय जब भी उसको खेती की जरूरत है, तुरंत 2,000 रुपया उसके खाते में जमा हो जाते हैं और साल में बार बार ये काम होता रहता है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है भाइयों, और सरकार ने भी किसानों से MSP पर रिकॉर्ड खरीद की है। भाइयों और बहनों, खेती की तरह ही डबल इंजन की सरकार ने लघु उद्योगों को, MSMEs को बचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। सिंह ने वर्चुअल माध्यम से देश के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। बैठक को संबोधित करते हुए आर.के. सिंह ने अर्थव्यवस्था के संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत के उपायों को लागू करने में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि 2024 तक कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ा रकबा, और मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में ही जैविक कृषि नीति तैयार कर उस पर अमल शुरू कर दिया था। एक बार फिर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जैविक खेती को का जो रकबा है वो बढ़ गया है। मध्य प्रदेश जैविक कृषि लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन चुका है। सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र वाले प्रदेश होने का गौरव भी हासिल है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं और ये पिछले 1.5 दशक में प्रमाणित भी हुआ है। ये जैविक खेती का जो रकबा बढ़ा है मध्य प्रदेश में, उसके लिए है, और प्रदेश की कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि भी पाई गई है। खेती किसानी नुकसान के जाल से बाहर निकाली और अन्नदाताओं को मेहनत का वाजिब दाम भी मिला है। ऑर्गेनिक वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के आधार पर वर्ष 2019 में विश्व का 72.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती हेतु उपयोग में लाया गया और इसमें एशिया का 5.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में जैविक खेती में वृद्धि हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का विशेष योगदान रहा है। जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य उत्पादों की विदेशों में मांग भी बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, वियतनाम में निर्यात की भी संभावनाएं बढ़ी हैं और ये जो रकबा बढ़ा है, इसी वजह से किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। प्रदेश में जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16,37,000 हेक्टेयर है, जो देश में सर्वाधिक है। जैविक उत्पाद का उत्पादन 14,02,000 मीट्रिक टन रहा, जो क्षेत्रफल की भांति ही देश में सर्वाधिक पाया गया। जैविक खेती को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश में कुल 17,31,000 क्षेत्र हेक्टेयर जैविक प्रमाणिक है। 16,38,000 एपिडस से और 93,000 हेक्टेयर क्षेत्र PGS से पंजीकृत है। इस तरह पंजीकृत जैविक क्षेत्र के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में अग्रणी माना गया।
और आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 60वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और उपलब्धियां भी प्राप्त कर रहा है। वहीं कृषि क्षेत्र पर विचार करें तो भारतीय कृषि की स्थिति और भी ज्यादा गौरवान्वित करने वाली है। तोमर ने कृषि को तेजी से प्रगति के लिए नई टेक्नोलॉजी व संसाधन अपनाने पर जोर देते हुए ड्रोन के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि के छात्र छात्राओं से आगे आने का आह्वान किया। तोमर ने उन्नत किस्मों व प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IARI द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने छात्रों को उद्यमिता विकास के लिए प्रेरित करते हुए खेती को व्यवसाय उद्यम के रूप में अपनाने की भी अपील की। कृषि अनुसंधान और किसान कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए तोमर ने किसानों के लाभ और विभिन्न हितधारकों के लिए रोजगार सृजन हेतु ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया तथा बताया कि सरकार ने ड्रोन पॉलिसी घोषित कर दी है। ये कृषि क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी है, इससे किसानों को बहुत बचत होगी। सरकार ने ड्रोन संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए 100% सहायता अनुदान देने का निर्णय भी लिया है। कृषि के विद्यार्थी इसमें बेहतर भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आम बजट 2022-23 को किसान हितैषी बताते हुए भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने इसे कृषि क्षेत्र के विकास को सूचक बताया है। बजट में किए गए कृषि आधारित प्रावधानों के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की ICFA के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे आम बजट में देश के गाँव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई तरह के बजटीय प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों से किस तरह भविष्य में अन्नदाता की आर्थिक तरक्की होगी, कृषि क्षेत्र का किस तरह विकास होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। सर, जिस तरह से बजटीय प्रावधान को देखते हैं उसमें कृषि क्षेत्र की भविष्य में किस तरह कायाकल्प हो सकती है? देखिए, इस पर चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी कि कृषि पे एक बड़ा फोकस आएगा इस बजट का और जो इनोवेटिव एरियाज हैं, जो कंसर्न्स के एरियाज हैं, उनको एड्रेस सरकार करेगी बजट के मार्फत। ऐसा ही हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर स्टार्टअप का देखें जो कंसर्न है और अपॉर्चुनिटी बड़ी है कि स्टार्टअप्स को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ना है और नाबार्ड के थ्रू बड़ी फंडिंग करना है, तो एक तो स्टार्टअप का है। दूसरा, जो वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है, एक बड़ा कंसर्न रहा था, इस बजट में उसका अनाउंसमेंट हुआ है। जो MSP पे इस टाइम पे डिजिटल पेमेंट का एक जो अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है उससे फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलेगा ट्रांसफर पेमेंट का। जो प्रावधान है वो भारत में कृषि क्षेत्र को एक तरह से आधुनिक कृषि और जैविक कृषि और नए भारत की प्राकृतिक कृषि को बदलने में कितनी मददगार साबित होगी? रिसर्च एंड इनोवेशन को इंडस्ट्री से जोड़ के डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट करते हुए फार्मर्स को डिलीवर करना और कहीं ना कहीं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करना, खास करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर पर। तो बदलते वक्त में जो यूनिवर्सिटीज़ का एक स्कोप जो बदलना चाहिए था काम करने का, मुझे लगता है बजट उस तरफ फोकस डालता है। तो ये भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान, जिनका मानना है कि बजटीय प्रावधानों से न केवल देश के अन्नदाता की भविष्य में आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी बल्कि देश का किसान संपन्न और मजबूत बनकर एक खुशहाल राष्ट्र का प्रतीक भी बनेगा। मेरे से की कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर तिलक राज शर्मा ने कहा कि बजटीय प्रावधान प्रधानमंत्री की जैविक खेती को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। इससे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा होगा। ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देना है तथा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को और स्ट्रेंथन करना है। इससे ना कि कृषि के ओवरऑल उत्पादन पर फर्क पड़ेगा बल्कि दूर दराज किसानों को उनकी सहायता के लिए कृषि केंद्रों के माध्यम से तथा कृषि यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। और नए बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने घोषणाएं की है वो निश्चित रूप से ही कृषि को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध होगी।
डॉक्टर तिलकराज शर्मा ने कहा कि बजटीय प्रावधानों से कृषि विश्वविद्यालयों में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा मिलने के साथ देश के कृषि विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो घोषणा की गई है, ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि कृषि विश्वविद्यालय में फंड्स की हमेशा कमी रहती है, जिससे कि अलग अलग राज्यों में, दूर दराज में फैले हुए कृषि विश्वविद्यालय में शोध तथा शिक्षा के ऊपर ज़्यादा कार्य नहीं हो पाता। जो मदद देने की घोषणा की गई है, इससे कृषि विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में कई प्रोग्राम चलाए जाएंगे और उससे डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट होगा। केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर बने 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल की पथ पहुंच परियोजना का लोकार्पण किया। इस रेल रोड ब्रिज का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 333B के अंतर्गत किया गया है। इस पुल के निर्माण में 696 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। पुल का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस पुल के बन जाने से मुंगेर की जनता के अलावा खगड़िया, बेगूसराय और सहरसा के लोगों को भी लाभ मिलेगा और मुंगेर से इन जगहों पर जाने में काफी समय की बचत होगी। राज्य में गंगा नदी पर तीसरा ये रेलवे रोड ब्रिज है और ये बनने से निश्चित रूप से मुंगेर की जनता को और मुंगेर के साथ साथ खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा जाने वालों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी और उत्तर बिहार से मुंगेर आने जाने वाले को 70 किलोमीटर का चक्कर काटकर मोकामा के राजेंद्र पुल तथा 75 किलोमीटर दूर भागलपुर के विक्रमशिला पुल का विकल्प चुनना पड़ता था, उनको अभी सबसे मुक्ति मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार में गंगा नदी के ऊपर अगर ये ब्रिज बन जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के विकास को बहुत गति मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेरोजगार को रोजगार देने के लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना की प्रशिक्षक रायसा कोसेर ने कहा कि सरकार की इस योजना के जरिए युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया करवाते हैं। योजना के तहत दी जाने वाली प्रशिक्षण युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करती है। इसका प्रशिक्षण 6 महीने का होता है। इसके अंतर्गत युवाओं को आने जाने का किराया दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद उन्हें नौकरी पर भी भेज दिया जाता है। इसके योजना के तहत रोजगार करने वाले युवाओं को 8,000 का न्यूनतम वेतन दिया जाता है और सरकार की तरफ से 2,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। योजना का मकसद युवाओं को रोजगार देके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जनजातीय मामलों का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई दी है। अपने आवास पर बजट पर पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल के इस साल में ये बजट अगले 25 वर्षों के लिए समावेशी विकास और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये बजट जनजातीय आबादी के लिए अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और नौकरियों से भरपूर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 26,135 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय खर्च के साथ प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी भी दी गई है। आगामी 5 वर्षों में हम 36,428 गांव में सीधे तौर से सेचुरेटेड मोड में ट्राइबल अफेयर्स और अदर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के काम करेंगे। अमृत काल में 75वां वर्ष में 7500 गांव को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है कि इस कार्य योजना में सीधे उस गांव के लिए आवंटन हमारा मंत्रालय के तरफ से राज्य सरकारों को दी जाएगी। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुवाई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा
3,00,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 40,00,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुवाई 3,43,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुवाई का रकबा 3,46,10,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 32,00,000 टन बढ़कर 41,00,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 8,47,344 टन ही हुआ था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 10 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,000 रुपए, 11 फरवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,100 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते दो दिनों के दौरान गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज हुई। यहां 10 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,940 रुपए, जो कि 11 फरवरी को 21 रुपए बढ़कर 1,961 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में 11 फरवरी को गेहूं का भाव 10 रुपए की नरमी के बाद 2,080 रुपए से 2,070 रुपए हो गया, जबकि राज्य की जयपुर मंडी में 10 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,065 रुपए, जो कि 11 फरवरी को 26 रुपए की तेजी के बाद 2,091 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान अपने खेतों का कैसे रखे ध्यान। गुजरात के सौराष्ट्र में लौकी और तुरई जैसी सब्जियों की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों भिंडी की बुवाई भी कर सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान के नम मैदानी हिस्सों में भी गर्मियों के लिए भिंडी की बुवाई का काम करें। यहाँ कम नमी वाले दक्षिणी मैदानी और अरावली पहाड़ी वाले इलाकों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई करें। यहाँ के किसान लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज के बीज छोटे पॉलीथीन बैग में बोएं। उसके बाद जब पौधे तैयार हो जाएं, तो क्यारियों या खेतों में रोपाई करें। उधर पंजाब के उत्तरी मैदानी इलाकों में गन्ने की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दोनों प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं। पंजाब के लहरदार इलाके में जल्दी ही मक्का की बुवाई पूरी कर लें। उड़ीसा के पश्चिमी लहरदार इलाके में बुवाई के 4 हफ्ते बाद धान की रोपाई का काम करें। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी घाट इलाके में और पूर्वी घाट के ऊपरी हिस्से में भी धान की रोपाई कर सकते हैं। वहीं उड़ीसा के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में कम अवधि वाली धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शनिवार आखिरी दिन। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को होगा मतदान। 2 करोड़ से अधिक मतदाता 586 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। इस चरण में 5 मंत्रियों सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर।
चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के जिलों के ऑब्जर्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली व शाहजहांपुर में होगा मतदान। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव के लिए की व्यापक तैयारियां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में डोर टू डोर किया कैंपेन। खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी दो बार के चुने गए हैं विधायक। पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये सीट है सुर्खियों में। अब खटीमा से धामी हैट्रिक लगाने की कोशिश में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा सरकार न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की गठित करेगी एक कमेटी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट करेगी तैयार। उन्होंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी होगा एक प्रभावी कदम। मणिपुर में दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी ली वापस। पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का शुक्रवार था अंतिम दिन। पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 फरवरी को होगा मतदान। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन। MOU पर की हस्ताक्षर। समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार में होगी बढ़ोतरी। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,36,962 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट हुआ 97.37%। सक्रिय मामलों की संख्या 6,10,443, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5.07%। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक दी जा चुकी हैं 172.29 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक। पिछले 24 घंटों में 46,82,000 से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का किया बड़ा फैसला। प्रदेश में 14 फरवरी से खुल जाएंगे सभी स्कूल। कोविड गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करने के लिए दिए निर्देश। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, फूड पॉइंट और सिनेमा हॉल भी अपनी पूरी क्षमता के साथ होंगे संचालित। केरल सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य में धार्मिक समारोहों और कार्यक्रमों में 1500 लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का किया फैसला। अट्टुकुल पोंगला, अलुवा शिवरात्रि और मरामोन कन्वेंशन जैसी आगामी धार्मिक त्योहारों को देखते हुए लिया है ये फैसला। 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन्हीं लोगों को इन समारोहों में प्रवेश की होगी अनुमति जिनके पास होगा 72 घंटे के भीतर कराया गया नेगेटिव RT-PCR प्रमाण पत्र। देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता कर दी गई समाप्त। नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के सिंगल विंडो माध्यम से नागर विमानन महानिदेशालय की मान्यता प्राप्त स्कूलों में जारी किए गए पायलट प्रमाण पत्र देश में ड्रोन संचालन के लिए होंगे पर्याप्त। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार।